आज के प्रातः क्लास है 20 जून 1968 गुरुवार। पहला पहला बाप का सबक है क्या? अपन को आत्मा समझो। अथवा मनमना भव, वो है संस्कृत अक्षर। बाबा शब्द को अक्षर कह देते हैं। कौन कह देते हैं? है ब्रह्मा बाबा। संस्कृत में मत मना भव, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाज। मना क्या मतलब हुआ? कि मेरे मन में जो संकल्प है वो ही तेरे मन में संकल्प हो। अगर मेरे मन में कोई संकल्प नहीं, सिर्फ अपनी आत्मिक स्मृति है, तो तेरे मन में भी वही आत्मिक स्मृति में रहे। अभी बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले पहले क्या पढ़ाई पढ़ानी है? है पहले पहले इनको अलग पढ़ाना है, है फुल स्टॉप नहीं पढ़ाना है, बिंदु नहीं पढ़ाना है, अलग पढ़ाना है। क्यों? आत्मा तो बिंदु है और बिंदु को तो बहुत छोटे से छोटा बनाया जा सकता है, उसकी लंबाई चौड़ाई तो कुछ होती नहीं, तो उतने सूक्ष्म ज्योति बिंदु को कैसे समझा जाएगा? है देखो ये जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, उनके पास यंत्र होता है, उस यंत्र से एक बूंद खून की निकालते हैं मलेरिया बुखार के मरीज के शरीर में से, तो उसको उस यंत्र से देखते हैं कि उसमें है ढेरों कीटाणु, और इन आंखों से वो कीटाणु दिखाई नहीं पड़ते। तो देखो वो तो यंत्रों से फिर भी देखने में आते हैं, आत्मा तो यंत्रों से भी देखने में नहीं आती, इतनी सूक्ष्म है। और फिर आत्माएं भी नंबरवार, कोई तो बहुत ही सूक्ष्म, कोई तो फिर उतनी सूक्ष्म नहीं। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? है कोई है सुप्रीम सोल? हाँ, ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, उसको कहा जाए। तो ओ, उसको को याद करना हो सकता है सीधा? है नहीं हो सकता। तब क्या करें? किसका परिचय पहले दें? है हाँ, बिंदु आत्मा का परिचय देने से पहले बताना पड़े अलफ का परिचय। अलफ अर्थात खड़ा डंडा है, जो आदि से लेकर के अंत तक पुरुषार्थी जीवन में खड़ा रहता है, क्या गिर नहीं जाता, पड़ जाता है नहीं। तो अलफ का परिचय देना है, है? नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या करते हैं?
किसका परिचय देने लग पड़ते हैं, है? वो किसको ऊंचे से ऊंचा भगवंत समझते हैं? वो ब्रह्मा बाबा को समझते हैं। तो ब्रह्मा बाबा पड़ गया है कि खड़ा रहा है? पड़ गया, हार्ट फेल हुआ और गया काम से। तो जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर शूटिंग पीरियड में भी आदि से लेकर के अंत तक स्थाई, जब तक शूटिंग का काल रहे, और फिर शूटिंग में जैसा पार्ट बजाएगा तो ब्रॉड ड्रामा में भी, ब्रॉड रील जो फाइनल बनेगी उसमें भी क्या होगा, पड़ जाएगा, गिर जाएगा, नहीं गिरेगा, तो उसी का परिचय देना है। वही एलएफ की पढ़ाई पढ़ानी है। इसलिए बाप कहते हैं पहले बाप का परिचय दो। तो जबकि कोई आवे तो उनको शिव बाबा के आगे तो ले ही जाना है, है? शिव बाबा के पास से ले जाना है और ब्रह्मा बाबा के पास ले आना है कि ले जाना है, है? ब्रह्मा बाबा के पास नहीं कहा। ब्रह्मा बाबा के पास अगर कहें कि ले जाना है तो ये ठीक है, नहीं, ब्रह्मा बाबा के पास ले आने के लिए नहीं बोला, कहाँ ले जाने के लिए बोला, शिव बाबा के आगे ले जाना है। अब शिव बाबा को पहचानेंगे तब ही ले जाएंगे या बिना पहचाने ले जाएंगे? ले जाने वाले को खुद भी तो परिचय पूरा पक्का निश्चय बुद्धि पूर्वक होना चाहिए ना। तो देखो, और तो कोई कोई के भी आगे आगे नहीं ले जाना है, क्या कि भाई ब्रह्मा कुमारियों के भी आगे ले जाना है या कोई ब्रह्मा कुमार के आगे ले जाना है या ब्रह्मा बाबा के आगे ले आना है? पहले किसके आगे ले आना है? शिव बाबा के आगे ले जाना। अरे 68 में शिव बाबा का किसी को पता चलेगा है? 68 में कैसे पता चलेगा? 68 में तो जो आत्मा है मनुष्य सृष्टि का बाप, राम बाप को कहा जाता है, है? तो वो जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता राम बाप है, वो तो खुद ही ज्ञान में आया था। वो खुद ही ज्ञान में नहीं आया था तो फिर उसके सामने कोई कैसे ले जाएगा, है ना? हाँ हाँ, भविष्य की बात है तो भविष्य में ले जाने की बात है। 68 में, 68 में कोई कैसे ले जाएगा? 68 को भविष्य कहेंगे? नहीं। तो बताया, पहले पहले ही जाना है बाप के पास। क्या परिचय मिल गया तो पहले किसके पास जाना है? हाँ, कोई ब्रह्मा कुमारी के पास नहीं जाना है, है? समाधान करने के लिए कोई बात अटक रही हो तो पहले पहले किसके पास जाना है? बाप के पास जाना है। अच्छा, कौन से बाप के पास बताया? शिव बाबा बाप है, शिव बाबा बाप है, वो तो बाबा लगा हुआ है, किसके पास ले जाना है? ब्रह्मा बाबा के पास ले जाना है। वाह भाई, है? किसके पास ले जाना है? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, प्रजापिता है, सारी प्रजा जो मनुष्य सृष्टि में है, कितनी 500-700 करोड़ जो भी मानवीय प्रजा है, उन सब का बाप मन आदम, एडम जिसे कहा जाता है, उसके पास ले जाना है।
और उनको भी कहना है, किनको है, जिनको ले जाना है बाप के पास, उनको भी कहना है कि बाबा कहते हैं, पहले से ही बता दो उनको, बाबा क्या कहते हैं कि अपन को आत्मा समझो और आत्मने अपने बाप को याद करो, आत्मा के बाप को याद करो। क्या समझो? देह नहीं समझो, देहधारियों का बाप नहीं समझो। क्या न देह है, न देह के कोई संबंध याद आए। क्या याद आए? अपन को आत्मा समझो और आत्मा के बाप को याद करो, जो कि मैं तुम्हारा बाप भी हूं। किसने बोला है? सुप्रीम सोल ने बोला ना, ऊंचे से ऊंचे भगवंत ने बोला कि मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं। है तुम्हारा बाप किस आधार पर है? तुम आत्माओं का परिचय बाप के सिवाय, आत्माओं के बाप के सिवाय और कोई परिचय दे ही नहीं सकता। प्रजापिता दे सकता है? मनुष्य सृष्टि का बाप, उसको तो खुद ही पता नहीं होता है, होता है? उसको पता ही नहीं होता है कि मैं आत्मा हूं। तो शिव सुप्रीम सोल की बात है कि तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं। तो ये सुप्रीम अक्षर जरूर डालना है, जो आत्माओं में, बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु आत्माओं में, स्टार रूप आत्माओं में है, जो सुप्रीम सोल है। क्या है? सुप्रीम सोल। हाँ, वो अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि इस अंग्रेजी का अक्षर क्यों बता, शब्द क्यों बताया है? इसलिए बताया कि अंग्रेजी में ये सुप्रीम सोल एक्यूरेट अर्थ देता है, आत्माओं में है सुपरमेसी वाली आत्मा, सबसे जास्ती शक्तिशाली आत्मा। किस रूप में शक्तिशाली? दैहिक रूप में? दैहिक रूप में नहीं, काय में शक्तिशाली, मन में। हाँ, आत्माओं के बीच में सबसे शक्तिशाली आत्मा, बुद्धिमानों की भी बुद्धि, उससे जास्ती प्रबुद्ध और कोई आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली हो ही नहीं सकती। तो जब बाप का परिचय दें तो इस तरह पता तो लग गया कि दो बेहद के बाप हो गए है, 10-20-50 बच्चों के बाप नहीं, 1000-2000 के बाप नहीं, जैसे क्राइस्ट 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस उसे अपना बाप मानते, तो वो भी हद का बाप हुआ, बेहद का हुआ है, हद का बाप हुआ। अब बेहद का बाप कौन? बेहद का बाप कहेंगे आदम, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। और वो आत्मा, आदम अपन को आत्मा समझता है क्या अंतिम जन्म में? नहीं समझता। तो उसको भी परिचय दिया जाता है, क्या कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। हाँ, तो जब उसे परिचय देने वाला कौन? सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल डायरेक्ट परिचय कैसे देगा? किस में प्रवेश करके? है? अरे किस में प्रवेश करके? आदम में प्रवेश करके आदम को ही परिचय देगा। फिर तो सिंध हैदराबाद में ओम मंडली में परिचय मिल गया होगा है? बोलो भाई, मिल गया होगा ना है? मिल गया?
हाँ, उसको परिचय देने वाली आदि लक्ष्मी। जो आदि लक्ष्मी का पार्ट है वो लक्ष्मी वाली आत्मा ही उसको जन्म देने वाली माता बनती है। बाप जन्म देता है कि माता जन्म देती है? जन्म कौन देता है? माता जन्म देती है। और वैसे भी बाबा ने बताया क्या, शिव बाबा ने पहले ही बता दिया है क्या, कि कन्या माताओं के मुख से ज्ञान मिले है? तो वो ज्यादा आत्मा पावरफुल बनेगी या पुरुषों के मुख से ज्ञान सुनाना अच्छा लगता है? आत्मज्ञान किससे मिले तो अच्छा है, कन्या माताओं के मुख से आत्मज्ञान मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो सुप्रीम अक्षर जरूर डालना है। इसका मतलब है कि आने वाला जिज्ञासु समझ जाए कि सुप्रीम आत्मा कौन है? कैसे पहचाने? तो वो पीछे पड़ेगा, पूछेगा कि कौन है सुप्रीम आत्मा? क्या आदि लक्ष्मी को कहें? है, वैसे भी शास्त्रों में दिखाते हैं कि लक्ष्मी को ज्ञान कलश दिया गया, उसने बांटा, ये अच्छी बात है। तो लक्ष्मी जिसने ज्ञान कलश धारण किया बांटने के लिए, तो क्या उसको ज्ञान मिल गया था? है? अरे, आदम वाली आत्मा राम वाली आत्मा को जब ज्ञान दिया तो उसे ज्ञान मिल गया था कि मैं आत्मा हूं? ना या हाँ? नहीं मिला है। आत्मा का बेसिक ज्ञान तो मिल गया कि नहीं मिल गया? बेसिक ज्ञान मिल गया। तो बेसिक ज्ञान ही पहले मनुष्य लेगा या एडवांस ज्ञान ले लेगा? मेरे 84 जन्मों का हिसाब किताब आत्मा का क्या है, ले लेगा? नहीं, सीढ़ी दर सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ेगा ना। तो यही बताया कि वो सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो वो सुप्रीम सोल है। ऐसे नहीं कि आदम में प्रवेश करके उसको आत्मा की नॉलेज देते हैं, नहीं, वो आदम वाली आत्मा भी पहचान नहीं सकती। क्या क्या नहीं पहचान सकती? कि मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं। क्या मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं? लेकिन और मंडली में आदि में जो व्यक्तित्व था आदम वाली आत्मा, वो क्या समझ के बैठ गई है? क्या समझ के बैठ गई? आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि जन्म जन्मांतर से यही भाव बुद्धि में बैठा हुआ है। क्या कि आत्मा ही परमात्मा का रूप है? तो आत्मा परमात्मा का रूप नहीं है, इसलिए वो आत्मा जब परमात्मा बाप के स्वरूप को नहीं पहचानेगी और अपने आत्मा को ही परमात्मा समझ के बैठ जाए, है, आत्मा सो परमात्मा, तो क्या परमात्मा बन गई? है कि आत्मा को परमात्मा परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी का ज्ञान हो गया? हो गया? नहीं हो गया। तो जब ज्ञान ही नहीं हो गया और झूठा ही बैठ करके बैठ समझ जाए कि मैं ही भगवान हूं, मेरे संग के रंग से पतित आत्माएं पावन पावन बनेगी, तो पाप चढ़ेगा कि पुण्य चढ़ेगा? है, पाप ही चढ़ेगा ना। हाँ, तो आत्मा जो है वो पापी बन गई अंतिम जन्म में, 84 जन्म में पापी बन गई। तो अंत क्या होगा?
अंत क्या होगा? उसका देह भान जो है, जो चढ़ा हुआ है, मैं ही परमात्मा हूं, तो वो देह भान मारा जाएगा कि नहीं मारा जाएगा? धुनाई पिटाई होनी चाहिए कि नहीं अच्छी तरह से? अरे बोलो भाई, हाँ होनी चाहिए। तो उसकी लाश भी क्या किया? हाँ, उसकी लाश भी मार पीट के गुम कर दी। तो लाश भले मार पीट के गुम कर दी, लेकिन बुद्धि में से ये बात हट गई क्या मार पीट करने से कि आत्मा सो परमात्मा है? और वास्तव में वो आत्मा सो परमात्मा का पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी है या नहीं है? वो तो है, थी, रही है और रहेगी, नहीं रहेगी, रहेगी। तो इससे साबित हुआ कि वो आत्मा देवान में रही जरूर, और उसको देवान में रहने का उसको पाप का फल भी मिला, लेकिन अंत समय में उसकी मन बुद्धि को कोई हिला पाया? मन बुद्धि में से ये बात किसी ने नहीं हिला पाई कि मैं आत्मा जो परमात्मा समझे बैठी थी वो परमात्मा नहीं है, है ना? शरीर छोड़ेगी अंतमते सो गते। तो जन्म लेती है, जन्म लेती है तो जहां परिवार में जाके जन्म लेगी, उस परिवार में पलेगी, उन लोगों की भी धारणा क्या होगी, आत्मा सो परमात्मा है या नहीं है? आत्मा हाँ, परमात्मा भगवान सर्वव्यापी है या नहीं है? कैसे परिवार में जन्म लेगी है? अरे अंत मते सो गते बनेगी तो कैसे परिवार में जन्म लेगी? ऐसे ही परिवार में जन्म लेगी जो समझते हो आत्मा सो परमात्मा, भगवान जो है वो सर्वव्यापी है ना? हाँ, तो ऐसे परिवार में जन्म लेने से बचपन से संस्कार वैसे ही पड़ते हैं, परंतु उसको ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी हुआ ना, तो अज्ञानी की स्टेज में उस आत्मा को आखरीन पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, लौकिक पढ़ाई में पढ़ते हैं ना, तो लौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जब ऊपर की पढ़ाई पढ़ना शुरू करेगा तो समझदार बनेगा कि नहीं? तो समझदार बनेगा तो जीवन का लक्ष्य क्या होता है? है? भगवान को पाना है या नहीं पाना है? हाँ, भगवान क्या है आखिर? समझदार होगा तो बुद्धि चलेगी ना। क्या मेरी आत्मा ही भगवान है? पढ़ाई आजकल जो पढ़ाई जाती है स्कूलों में, उसमें ये पढ़ाया जाता है क्या आत्मा ही परमात्मा है? है नहीं? तो बुद्धि तो खुल जाती है, बुद्धि खुलती तो है, लेकिन ऋषियों मुनियों ने जो पढ़ाया शास्त्रों में वो क्या पढ़ाया? आत्मा सो परमात्मा पढ़ाया है, भगवान सर्वव्यापी है, माने मैं भी भगवान तुम भी भगवान। लेकिन वो जो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं, बड़े बड़े सन्यासी हैं, जो बड़े शंकराचार्य बनकर बैठते हैं, उनके सामने तो उनकी विद्वता काम करेगी है? हाँ, उसकी बुद्धिता उनके सामने काम करने वाली नहीं है, इसलिए वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आएगा या नहीं आएगा? हाँ, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आता है, और कम्प्लेक्स आता है तो इस बात की है तफ्तीश में लग जाती है आत्मा कि आखिर भगवान कौन है? इस सृष्टि पर वो ऊंचे से ऊंची जो हस्ती कही जाती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, दुनिया की बड़े से बड़ी जनरेशन याद करती है, वो बड़े से बड़ी जनरेशन
इतनी बड़ी जनरेशन याद करती है भगवान की, भगवान को, तो भगवान है कौन, वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो जब ऊंची पढ़ाई पढ़ती है तो वो कौन सा पेशा पकड़ेगी जीवन में, जो सबसे अच्छा पेशा हो, धंधा है, नारायण का धंधा पकड़ेगी। कैसे पकड़ेगी, नारायण कैसे मिल जाएगा और उसका धंधा कैसे मिल जाएगा, है? दुनिया में कोई धंधा ऐसा है, है? हाँ, ज्ञान का लेन देन करने वाला टीचर होता है, तो टीचरशिप का धंधा ही अच्छा होता है ना, है नहीं? टीचर का धंधा अच्छा, तो टीचर का धंधा ही पकड़ेगी और पढ़ाई भी पढ़ेगी, तो आत्मा के संबंध में पढ़ाई पढ़ने की लगन होगी, या दुनियावी जो भौतिकवाद की पढ़ाई है, है देह और देह के जो अंग हैं उनकी चीड़ फाड़ करने की पढ़ाई पढ़ने की इच्छा होगी, होगी नहीं होगी? तो वो आत्मा वो आध्यात्म ज्ञान में ज्यादा रस लेती है और ऊंची पढ़ाई पढ़ती है, तो पढ़ेगी तो उसे कुछ मिलेगा भगवान के बारे में, सच्चाई है मिलेगी। कोई सच्चाई मिलने वाली नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जो भी शास्त्र लिखे हैं वो मनुष्यों ने लिखे हैं, विकारी बुद्धि मनुष्यों ने, काली काली दाढ़ी मूछ वाले ऋषि मुनियों ने लिखे हैं कि देवताओं ने लिखे हैं कि देवताओं को भी देवता बनाने वाले भगवान ने लिखे हैं, लिखे हैं है नहीं लिखे है? तो वो बात तृप्ति नहीं होती है किसी ज्ञान से, उसे पढ़ाई लिखाई से जो आज की दुनिया में पढ़ाई जाती है वो तृप्ति होती है नहीं, तो फिर और रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ेगी, है? आखिर असलियत क्या है, रिसर्च माने खोज, तो खोज के रास्ते में जब जाती है तो उसे पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म किए होंगे, उस आधार पर उसे ये पढ़ाई मिलती है रिसर्च करने के लिए, है कि भाई सृष्टि का आदि पुरुष कौन है, क्या अब वो है वो आत्मा खुद ही आदि पुरुष, और पढ़ाई पढ़ेगी आदि पुरुष की तो सच्चाई मिलेगी, है? लौकिक दुनिया की पढ़ाई जो ऋषि मुनियों ने पढ़ाई है, विकारी बुद्धि वाले दाढ़ी मूछ वालों ने, वो सच्ची बात मिलेगी नहीं मिलती? तो उसी दरमियान वो आत्मा उस जगह पहुंच जाए जहां चार मुखों वाला ब्रह्मा संगठित हो करके पढ़ाई पढ़ा रहा हो, तो सच्चाई मिलेगी या नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि शिव सुप्रीम सोल को अपना शरीर तो होता ही नहीं, वो तो ना कोई में प्रवेश करेगा, और प्रवेश करता है तो नाम क्या रखता है, शास्त्रों में भी नाम रखा हुआ है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में संपर्क होता है तो वहां से जाकर के उस आत्मा को परिचय मिलता है, किससे, ब्रह्मा कुमारी से या ब्रह्मा कुमार से, किससे परिचय मिलता है, है? ब्रह्मा कुमारी से परिचय मिलता है, वही बात बाबा ने बताई कि कन्या माताओं से ज्ञान लेना अच्छा है, फाउंडेशन किसका पढ़ना चाहिए, जैसा फाउंडेशन होगा वैसी बिल्डिंग बनेगी, तो बाय चांस ऐसे स्थान पर जाकर के उसे वो आत्मा का ज्ञान मिलता है किसी कन्या से, ब्रह्मा कुमारी से, जो स्थान बाबा की वाणी के अनुसार सोमनाथ मंदिर साबित हो जाता है। क्या सोमनाथ का मतलब, सोम किसे कहा जाता है,
सोम चंद्रमा को कहा जाता है, सोमवार माने चंद्रवार, तो चंद्रवार कहो सोमवार है तुम्हारा भला, सोमवार कहो चंद्रवार कहो बात एक ही हुई ना। हाँ तो सोम कौन, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो है उसके मुख से तो नहीं सुनने को मिलता, मिलता है डायरेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो तो पुरुष मुख है या स्त्री चोला है, पुरुष मुख। हाँ तो जिस कन्या से ये ज्ञान मिलता है, हाँ वो कन्या ब्रह्मा कुमारी तो है, ब्रह्मा बाबा के जो भी स्वभाव संस्कार हैं उन स्वभाव संस्कारों को धारण करने वाली ब्रह्माचारिणी है या नहीं है। हाँ ब्रह्माचारिणी तो हो सकती है, तो उस ब्रह्माचारिणी के द्वारा वो ज्ञान मिलता है, है? जब ज्ञान मिलता है तो बुद्धि में ये बात तो बैठती है कि हम देह नहीं है, हम क्या हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा का रूप भी पता चलता है कि आत्मा ज्योति बिंदु है, अति सूक्ष्म है, स्टार मिसल है, स्टार छोटे बड़े होते हैं ना, आसमान में कितने स्टार होते हैं है? कुछ पता है, शास्त्रों में गाया हुआ है 9 लाख सितारे हैं, और गायन भी करते हैं 9 लाख हार नारी का, रानी का, रानी का 9 लाख का हार, अरे 9 लाख वो कौन है? हार तो किसका यादगार है, संगठन की यादगार है ना, तो 9 लाख आत्माएं जिनका संगठन तैयार होता है, है जब नई दुनिया बनती है तो 9 लाख आत्माओं के संगठन में टाइम कोई है कि नहीं जिसे टाइम पर वो 9 लाख आत्माओं का संगठन बनता है, कौन सा टाइम, सतयुग त्रेता द्वापर कौन सा युग, पुरुषोत्तम संगम युग, सिर्फ संगम युग नहीं, संगम कहेंगे तो सतयुग त्रेता का भी संगम कोई पकड़ लेगा, त्रेता द्वापर का संगम पकड़ लेगा, इसलिए एक्यूरेट बोलना चाहिए, कौन सा संगम, पुरुषोत्तम संगम, जिस पुरुषोत्तम संगम की यादगार आज तक भी चली आ रही है भक्ति मार्ग में, पुरुषोत्तम मास चलती है ना, अधिक मास है, तो ये अधिक युग है, 4 युग हैं मुख्य, 4 सीन का ये ड्रामा है, बेहद का ड्रामा, उसमें एक युग बहुत छोटा है, जिस छोटे युग में सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का बाप है तेरा वाला इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं, और आता करके है वो जो जिस मुकर्रर रथ में पहले पहले प्रवेश करते हैं वो तो काम का नहीं रहा, तो फिर दूसरा रथ लेना पड़ेगी नहीं है, टेम्परेरी रथ में प्रवेश करते हैं, तो टेम्परेरी रथ एक होगा या अनेक होंगे, एक है, एक ही, अच्छा अरे टेम्परेरी रथ तो हाँ नहीं 4 ही होंगे, टेम्परेरी रथ तो है 9 लाख भी होते हैं, क्या क्या कहा, 9 लाख सितारे आसमान में हैं ऊंची स्टेज में चमकने वाले, हाँ तो वो 9 लाख सितारे हैं जिनमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश करके पार्ट बज, किसी में ज्यादा किसी में कम पार्ट बजाता है, तो उन 9 लाख सितारों में कोई अव्वल नंबर होगा या नहीं होगा है? उसकी पहचान क्या बताई है, अव्यक्त वाणी में पहचान बता दी उसकी, क्या पहचान बताई है, नहीं अव्यक्त वाणी में पहचान बताई है, पहचान बताई 5 दिसंबर, भूल गया क्या पहचान बताई, याद आया, अरे कौन सी तारीख बताई है, भूल गए,
5 दिसंबर को बताया कि बाप का सुप्रीम सोल बाप का पहला मिलन हुआ किसके साथ? हाँ, उस मुकर्रर रथ के साथ। तो वो सुप्रीम सोल का, उसके बाद सुप्रीम सोल के बाद इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली सुपरमेसी वाली आत्मा से कनेक्शन हुआ, मेल हुआ। हुआ या नहीं हुआ? तो वो सुप्रीम अक्षर जरूर डालना है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। दो बाप हैं जिनको सुपरमेसी का पार्ट मिलता है, एक मनुष्य सृष्टि के बीच में और एक आत्माओं के बीच में। उसको उन दोनों बेहद के बापों में से सुप्रीम गुरु किसे कहा जाएगा? मुकर्रर रथधारी को सुप्रीम गुरु कहा जाएगा। गुरु क्यों कहा जाएगा? सुप्रीम सोल को क्यों नहीं कहा जाएगा मुकर्रर गुरु? है क्योंकि गुरु जो होता है वो दलाल के रूप में काम करता है। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। कैसे मिला? वो सुप्रीम सोल साकार शरीर में प्रवेश करके ही सदगुरु बनता है, नहीं? हाँ, तो वो सुप्रीम सोल सुप्रीम गुरु भी है। ऐसे नहीं कि साकार सुप्रीम गुरु है, वो अपना गुरु अपने आप बन जाएगा क्या? उसको भी किसको गुरु बनाना पड़ता है? है? हाँ, माता को नहीं, माता को या कन्या को किसको बनाना पड़ता है? है? माता को, कन्या को। अच्छा, वो कन्या शिव बाप की पराप्रकृति नहीं है? शिव बाप परम पुरुष है या नहीं? पुरुष माने आत्मा। तो परम पुरुष कौन हुआ? शिव बाप हुआ ना, और उसकी पराप्रकृति भी एक पत्नी, ऊंचते ऊंच और फिर थोड़ा नीच पार्ट बजाने वाली अपरा प्रकृति भी, दो पत्नियां हुई ना परम पुरुष को। हाँ, तो बताया कि वो सुप्रीम सोल सुप्रीम गुरु भी बनता है, साकार भी बनता है कि नहीं? बनता है। तो ये सबक तुम सबको सिखलाने का है। सबको माने किसको? ये सबक तुमको सिखलाने का है, माने सारी सृष्टि इस सबक को समझेगी या नहीं समझेगी? क्या? कि मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा का स्वरूप बिंदु है, स्टार है, और मुझ आत्मा का बाप सुप्रीम सोल है। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, सब मानेगी या नहीं मानेगी? मानेगी। और इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों का जो बाप है वो आदम है। उसे आदि देव कहें, एडम कहें, आदिनाथ कहें। तो ये सबक सबको सिखलाना है। पहले पहले का सबक ये है अंदर घुसने वाले का। क्या? कहाँ अंदर घुसने वाले का है? चाहे बेसिक नॉलेज हो तो बेसिक तरीके से अगर समझ लिया कि मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु, और मनुष्य सृष्टि का बाप आदम राम बाप, तो ये बात बुद्धि में बैठ जाए तो बेसिक नॉलेज के स्कूल में, बेसिक ज्ञान में, प्राइमरी स्कूल में जा सकता है कि नहीं? जा सकता है।
फिर उससे ऊंचा कोई स्कूल है नहीं, उससे ऊंचा कोई स्कूल नहीं। अच्छा कौन सा स्कूल है? जो शिव बाबा ने पढ़ाई पढ़ाई उसमें उस स्कूल का नाम भी बताया। अरे भूल गए, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एडवांस तो ज्ञान का नाम है, वो विद्यालय का स्कूल का नाम नहीं है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये नाम किसने दिया है? सुप्रीम सोल ने दिया कि तुम बच्चे है वो ब्रह्मा कुमारी शब्द लेकर हटा देना, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द को हटा करके क्या स्पिरिचुअल गॉडफादरली यूनिवर्सिटी लिख देना। उसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? आध्यात्मिक किशोरी विश्वविद्यालय नाम रख देना। तो ये बेसिक ज्ञान और फिर एडवांस ज्ञान है। आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो एडवांस ज्ञान दिया जाता है ऊंची पढ़ाई का, वो अगर उसकी बुद्धि में बैठता है समझने वाले के, तो उसको अंदर घुसने देना। कहाँ अंदर? जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का कौन है? सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है ना? हाँ, वो जहां रहता है उसके अंदर तब घुसने देना है। एक्स वाई जेड कोई आवेंगे या नहीं आवेंगे तो क्या करेंगे पहले? उनसे सब ये बातें पूछेंगे कि नहीं, कि तुम कौन हो? तो बताएगा हम आत्मा हैं, बताएगा ना? तो फिर आगे इतना पूछ करके छोड़ देंगे? हैं, तुम आत्मा हो, चलो ठीक है, ज्योतिबिंदु आत्मा हो, समझ लिया तुमने, स्टार स्वरूप आत्मा हो, तो तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? नहीं पूछेंगे, ऐसे ही सीधा ले आएंगे। हाँ क्या करेंगे? हैं, तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, कहाँ है, उसका आईडी प्रूफ तो दो दो, तब तुम्हें ले जाए मिलाने के लिए। है जाना है या नहीं जाना है? ऐसे ही पकड़ के ले आएंगे? कोई वहां से दिल्ली से या माउंट आबू से या आबू रोड से लिखवा के ले आए क्या? एफिडेविट लिखवा के ले आए, या वो क्या नाम क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में से लिखवा के ले आए निश्चय पत्र कि हमें पक्का निश्चय हो गया है, तो वो निश्चय पत्र देख करके तो मान लेंगे है? मान लेंगे है भाई, पूरा आईडी प्रूफ बताओ, वो कौन है क्या है, तो सारा आईडी प्रूफ बताएगा, तो फिर उससे लिखवा ही लेना चाहिए। नहीं हाँ, कि वो है कहाँ अभी है? तो बताएगा ना वो कहाँ है, कहाँ है, उसे पता होगा है? उसे पता नहीं है तो किसी ने बताया होगा तभी तो आएगा, बिना बताए आ जाएगा है? किसी ने बताया होगा? उसने बताया होगा। अच्छा, जहां सुप्रीम सोल बाप रहता होगा वहां का एक्यूरेट एड्रेस बताई दिया होगा है? बता दिया होगा? अगर बता दिया होगा तो वफादार बच्चा बच्ची या बेवफा? वफादार कहेंगे या बेवफा कहेंगे? अरे पहले पहचानने वाला वो ही शख्स होगा जिसने बेसिक नॉलेज दी, या कोई दूसरा हो जाएगा? उसको बेसिक नॉलेज देने वाली जो टीचर है उसको पहले पढ़ाई पढ़ाएगा एडवांस ज्ञान की, कि किसी दूसरे को पढ़ाई देगा? पढ़ाई देगा नहीं, है ना? हाँ, तो बताया अंदर घुसने वाले को ये सबक तुमको सिखलाने का है।
क्या कि अलफ कौन है, बे कौन है और नुक्ता बिंदु कौन है। फुल स्टॉप। ओम शांति।